तो है गाइस, मेरा नाम है करण, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक ये है कि मशीन को सेटअप कैसे करते हैं। जो जो बिगनर होता है उनको मालूम नहीं होता है कि मशीन सेटअप कैसे, जो ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हैं ना, उनके लिए वीडियो है। जो कहीं कोर्स कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ऑनलाइन जो यूट्यूब से है, जो जिनको जो जो यूट्यूब से सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और ऐसे सपोर्ट करता रहना। मशीन को सेटअप करना बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि ऐसा बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप देखो, आप समझ जाओगे। ओके, अब सीख भी जाओगे जल्दी, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये सब सामान है आपको मशीन सेटअप के लिए। सो एक एक करके सबके नाम मैं बताता हूँ। नंबर वन, ये है एलन की। ये छोटा तो है बट बहुत काम की चीज़ है ये, आपको इसके बिना आपका कुछ काम ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है आपका मशीन, कॉइल मशीन। और तीसरा है पावर सप्लाई। एंड चौथा है फुट पैडल, इसको फुट पैडल बोलते हैं। और ये केबल है, पावर केबल, इसको इसमें अटैच करते हैं। और ये क्लिप कॉर्ड, इसको मशीन और पावर सप्लाई में अटैच करते हैं, मतलब इसको लगाते हैं इसके अंदर। तो कैसे लगाते हैं अब बताता हूं आपको, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको पहले बताऊंगा कि मशीन टैटू मशीन कैसे सेटअप करते हैं, उसके बाद ऑल चीज़ मतलब बताऊंगा। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं पहले इसको। फर्स्ट ये कॉइल मशीन है, ये इसका ग्रिप है। ग्रिप को के अंदर ऐसा अटैच करने का, उसको थोड़ा लूज करके उसमें अटैच करके उसमें ऐसा टाइट करने का, जो ये रहता ना कि इसको ऐसा टाइट करने का। उसके बाद टिप्स से ये टिप्स है, टिप्स को इसके अंदर लगाए। हमेशा ध्यान रखना ना, जो ये है ना, ये कैसे लेवल पे रखना है इसको। फिर ये एलन की, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको टाइट करने के लिए बताया। इसके बिना ये नहीं रहेगा, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा आपका। ये इसमें फिट हो गया। अब ये नीडल, नीडल को कभी भी यहाँ से ये इसको ग्रूमेट बोलते हैं, इसको जो ब्लैक है ना रबड़, ये इसको ग्रूमेट बोलते हैं। ये आपको मिलता भी है नीडल के साथ, आपको नहीं मिलता तो आप मार्केट से ले सकते हो। ये नीडल के अंदर इसको ऐसा फिट कर दिए, फिर रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को ऐसा लगा दिए ये हमारा। फिर नीडल को देखो इतना रखना है, नीडल इतना रहेगा बस, इसको टाइट कर दिए। हमारा मशीन तो हो गया, हमारा मशीन सेट हो गया अभी। अब बारी है इसकी, पावर सप्लाई। पावर केबल, इसको आपको इसके यहाँ ऐसा, ये जो रहेगा ना इसके, आपको यहाँ ऐसा अटैच करना है। और ये आपके बोर्ड, जो आपका बोर्ड रहेगा ना इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसका उसको यहाँ लगाना है। सपोज़ मैंने ये लगा दिया, ये है फुट पैडल, इसको प्रेस करके आप टैटू मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। ये कभी भी ले गया, देखो यहाँ लिखा रहता है, ये लाइनर है, ये शेडर है, ये फुट पैडल है। फुट पैडल यहाँ लगेगा ऐसा, ये है क्लिप कॉर्ड, ये यहाँ लगेगा। और इसमें दो मशीन यूज़ कर सकते हो, इसमें दो मशीन के लिए है फैसिलिटी है इसमें। और ये जो क्लिप कॉर्ड है आपको मशीन के यहाँ लगाना है,
ये आपका मशीन रेडी है, ये आपका सब रेडी है। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ, ओके। मैं अब आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ, ओके। ये ऑन है, पीछे बटन होता है, आप इसे करके ये फुट पैडल है, आपको इसको पैर से प्रेस करना है। ये मशीन है, अब देखो आप इसे ऐसा ऑन हो रहा है, आपको इसे ऐसा प्रेस करना है इसे। सो आई होप आप सबको समझ गया होगा कि टैटू मशीन सेटअप कैसा करते हैं। तो वीडियो में आपको शायद समझ गया होगा कि मशीन को सेटअप कैसे करते हैं, मैंने बहुत इजीली बताया है आपको। आपको वीडियो को अगर एक से दो बार देखो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो और शेयर करो अपने किसी फ्रेंड को जिसको सीखना होगा ऑनलाइन, जिसको जो कोर्स का अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा, उसको शेयर करो, उसको हेल्प करो, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।